सभी का टोटल न्यूज में आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और वक्त हो चला है रेस 2019 का। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और सियासत के योद्धा टिकट की दौड़ में दो दो हाथ आजमाने को भी तैयार है और टोटल न्यूज की टीम भी तैयार है। सूबे की हर विधानसभा का हाल हम आपको बता रहे हैं, जनता का मूड हम टटोल रहे हैं, सबसे सटीक और सबसे खास सर्वे हम आपके लिए लेकर आए हैं। खास इसलिए क्योंकि हम सिर्फ पार्टी की ही स्थिति नहीं बल्कि पार्टी में संभावित उम्मीदवारों की क्या स्थिति है ये भी आपको बता रहे हैं। कौन सा संभावित उम्मीदवार टिकट की दौड़ में सबसे आगे और किस पर जनता भरोसा जताना चाहती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रेस 2019 की। और आज बारी है प्रिथला की। प्रिथला की जनता क्या सोचती है, किस संभावित उम्मीदवार को लेकर कैसी छवि है, हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जनता का मूड क्या है, ये हमने टटोला है। एक सर्वे हमारा जो आपके सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और काउंटिंग सेंटर भी इस बीच तैयार हो चुका है। पिटारा खुलने को तैयार है, जनता के सामने जनादेश आने के लिए तैयार है। सपना मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ गई है। सपना, काउंटिंग सेंटर पर किस तरह की हलचल आप देख पा रही है, आज बारी प्रिथला की है। बिल्कुल रंजना, ये कारवा शुरू हो चुका है, संभावित उम्मीदवार कौन कौन होने वाले हैं और ये कारवा बढ़ते बढ़ते प्रथला विधानसभा तक पहुंच चुका है। एक ऐसी सीट जहां पर ग्रामीण आबादी ज्यादा है, मौजूदा विधायक टेकचंद शर्मा है, बीएसपी की टिकट से आए थे लेकिन बाद में बीएसपी से निष्कासित कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि पिटारे तैयार हैं, बस अब ये पिटारे खुलने वाले हैं और पता चलेगा कि जनता ने क्या फैसला दिया है। तो पिटारे खुल रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर आप देख सकते हैं जनता का जनादेश आने के लिए तैयार है, सर्वे आपके सामने आने के लिए तैयार हो चुका है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है, जनता का जनादेश बाहर आ गया है, बैलेट पेपर जिसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सपना, आप काउंटिंग को जारी रखिएगा, दोबारा से आपके पास आएंगे जानने के लिए कि जनता ने क्या जनादेश दिया है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे रूबरू करवा देते हैं। वीरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। देवेंद्र कथूरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे पानीपत के। सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे इनपुट एडिटर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सर्वे को लेकर जनता की राय क्या है, हमने जनता से राय शुमारी की है, प्रिथला की जमीनी हकीकत को जाना है, मुद्दे जानने की कोशिश की है, मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश की है, साथ ही साथ ये भी जाना है कि जनता इस बार चुनावी रण में कौन से योद्धा को देखना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सभी 10 सीटें हासिल कर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की उम्मीदें खड़ी कर दी हैं। लेकिन कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में हालात लोकसभा चुनाव से बहुत अलग होते हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर बिसात बिछाई जा चुकी है और सबकी नजर टिकटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर टिक गई है। अभी चुनाव में वक्त है तो लोग वोट किस पार्टी को दे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन सी पार्टी किसे टिकट दे रही है, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है टोटल टीवी ने एक सर्वे के जरिए और इस सर्वे में टोटल टीवी की टीम हर विधानसभा तक पहुंच रही है और इस सिलसिले में आज बारी है प्रिथला विधानसभा की, जहां से मौजूदा विधायक हैं टेकचंद शर्मा जो बीएसपी के टिकट से विधायक चुने गए थे लेकिन बाद में निष्कासित कर दिए गए थे और अब चर्चा है कि बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन इन्हें लेकर अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। टेकचंद शर्मा ने खुद भी कुछ साफ नहीं किया है। वहीं टोटल टीवी की टीम कुछ नामों को लेकर लोगों के बीच पहुंची जो हमें मिले समाज के उन लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हों। बता दें कि टोटल टीवी की टीम ने पूरा सर्वे 1 अगस्त को यानी कि एक दिन में किया है। टोटल टीवी की टीम प्रिथला विधानसभा क्षेत्र में 35 इलाकों में पहुंची। प्रिथला विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,86,469 है। इस सर्वे में टोटल टीवी की टीम ने प्रिथला विधानसभा के कस्बाई इलाकों और गांव में पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों से राय ली। ये आज से कोई 10-15 साल हो गई, आज तक इसकी सफाई ना हुई, गली में पानी भरा पड़ा, एक भी गली ऐसी ना जहां पानी ना भरा पड़ा। हर बार सरपंच जैसे भी बने रास्ता ने वो चलवा दे और पब्लिक के घर झील में पड़े पड़े। बिजली और पानी की बिजली तो आवे ना जी, कितने घंटे बिजली, 2-2.5 घंटे। अब तक टोटल टीवी के सर्वे की सबसे खास बात यही रही है कि हमारे सर्वे हकीकत और नतीजों के बेहद करीब रहे हैं, जिसके पीछे सर्वे टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है, जिसके नतीजे हमेशा
सटीक रहे हैं। हमें पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बखूबी समझते हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। और अब आपको रूबरू करवाते हैं प्रथला विधानसभा सीट से, जो संभावित उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी सामाजिक शख्सियत क्या है। हरियाणा में चुनावी चौसर बीत चुकी है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी है। जीत का दम भरने के लिए नए पुराने सभी सियासतदान मैदान में ताल ठोकने को बेताब हैं। लेकिन सूबे की चौधराहट किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल टिकट की माथापच्ची का है। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, कौन होगा सूबे के मुखिया का भाग्य विधाता, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है हरियाणा की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की रेस में, जानने के लिए आज बात प्रथला विधानसभा की। इस सीट पर बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी में हमें तीन संभावित उम्मीदवारों के नाम मिले। इनमें नयनपाल रावत भी टिकट की रेस में है। 2014 में विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और टिकट की रेस में शामिल हैं। 2005 में बीएसपी की टिकट से भी चुनाव लड़ चुके हैं नयनपाल रावत। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं सोहनपाल सिंह, जो टिकट की रेस में हैं। एबीवीपी और संघ से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और सोहनपाल सिंह बीजेपी के जिला मंत्री हैं और टिकट की रेस में वो भी दौड़ रहे हैं। बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं सुरेंद्र तेवतिया, जो कि टिकट की रेस में शामिल हैं। वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश सचिव हैं और सुरेंद्र तेवतिया प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अब टिकट की रेस में सुरेंद्र तेवतिया हैं। वहीं कांग्रेस में टिकट की रेस में शामिल संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो यहां हमें तीन नाम मिले, जिनमें रघुवीर तेवतिया भी टिकट की रेस में दौड़ रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के टिकट से प्रथला से ही विधायक रह चुके हैं। 2014 में चुनाव लड़े, हार मिली और अब टिकट की रेस में रघुवीर तेवतिया दौड़ रहे हैं। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं सत्वी डागर, जो कि टिकट की रेस में शामिल हैं। कांग्रेस के कर्मठ नेता माने जाते हैं और अब टिकट की रेस में सत्वीर डागर हैं। कांग्रेस में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं राकेश तंवर, जो टिकट की रेस में दौड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल के समर्थक रहे हैं राकेश तंवर और पिछला चुनाव हचका के टिकट पर लड़े हैं। अब कांग्रेस से टिकट की उम्मीद में है राकेश तंवर। वहीं बात अगर जेजेपी में टिकट की रेस में शामिल संभावित उम्मीदवारों की करें तो जेजेपी में भी हमें तीन संभावित उम्मीदवार मिले। इनमें बलदेव अलावलपुर टिकट की रेस में हैं। वर्तमान में जेजेपी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बलदेव अलावलपुर, उच्च शिक्षा लिए हुए हैं और अब टिकट की रेस में वो भी दौड़ रहे हैं। जेजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं शशिवाला तेवतिया, जो कि टिकट की रेस में हैं। 2009 में प्रथला से ही इनालो की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं शशिवाला। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और अब वो टिकट की रेस में दौड़ रही हैं। जेजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं अरविंद भारद्वाज, जो टिकट की रेस में हैं। 2014 में इनालो के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अरविंद भारद्वाज और जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अरविंद भारद्वाज भी टिकट की रेस में शामिल हैं। बता दें कि इन चारों पार्टियों के इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया है और इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है और जनता ने किस पार्टी के लिए किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, यही देखने को मिलेगा आपको टोटल न्यूज के सर्वे में। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो प्रथला में किस पार्टी से कौन सा संभावित उम्मीदवार चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है, ये हमने आपको बताया। लेकिन क्योंकि जिज्ञासा बनी होगी मौजूदा विधायक टेकचंद शर्मा को लेकर, जो कि बीएसपी से निष्कासित हो चुके हैं। थोड़ी स्थिति आपको बता दे कि बीएसपी से चुनाव लड़ा था 2014 में, जीत दर्ज की और अब बीएसपी ने निष्कासित कर दिया, तो उनकी स्थिति क्या है ये जानने के लिए सुजीत जी के पास चलते हैं। सुजीत जी, मौजूदा विधायक रेस में नहीं, संभावित उम्मीदवारों की क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि विधानसभा जो प्रथला है वहां पर अभी भी जो जनता है या जो मतदाता है या जो भी टेकचंद शर्मा के समर्थक भी होंगे, उनको ये अभी स्पष्ट नहीं है कि टेकचंद शर्मा अभी किस पार्टी में हैं या जब चुनाव मैदान में जाएंगे तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।
या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था और जीतने के बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद बीएसपी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन अभी तक वो ये स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई ऐसा समारोह नहीं हुआ जिसमें कि वो शामिल हुए हों अधिकृत तौर पर, क्योंकि विधानसभा की सदस्यता को भी उन्हें अपने बचाए रखना है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता को लेकर भी खतरा हो सकता है, इसलिए मौखिक तौर पर तो उनका समर्थन बीजेपी को है और बीएसपी से वो निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। इसलिए खुद तेगचंद शर्मा से जब इस बारे में बात हुई थी कि भाई आप अभी अपना मत बताइए कि आप किस पार्टी में हैं, आपके संभावित उम्मीदवारों की रेस चल रही है, उसमें हमें आपको शामिल करना चाहते हैं तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन वो इसको बताने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, आपको और भी कुछ दिन लगेंगे इंतजार करने में कि हम कहाँ हैं, तब पता चलेगा। तो ऐसे में जैसे खुद एमएलए को नहीं पता है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, दूसरी तरफ एक और बात है, यही बात जनता के बीच में है। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची, लोगों के बीच में पहुँची, तो लोगों में भी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। लोगों का कहना है कि अभी तक ये पता नहीं है कि टेकचंद शर्मा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे मतलब किस पार्टी से लड़ेंगे, हो सकता है लड़ेंगे तो प्रथला से ही, लेकिन पार्टी अभी तय नहीं है उनकी। पार्टी तय ना होने की वजह से जनता में भी, मतदाता में भी ये भ्रम की स्थिति है, वो किसे अपना वोट दे। तो मतदाताओं का साफ तौर पे कहना है कि पहले ये जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम अपनी राय टेकचंद शर्मा के बारे में नहीं बता सकते हैं। यही वजह है कि एमएलए को भी भ्रम है, या कहें कि वो उहापोह की स्थिति में है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ जो है जनता में भी ये भ्रम की स्थिति है, इसलिए संभावित उम्मीदवारों की रेस में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया है। दूसरी बात, हो सकता है कि बीजेपी से जो उनकी बातचीत चल रही हो या बीजेपी में वो जाने की सोच रहे हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और जनता में भी इस तरह के कुछ है कि हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं शामिल होते तब तक उनका नाम बीजेपी में संभावित की रेस में शामिल करना उचित भी नहीं था, इसलिए वो संभावित उम्मीदवारों की रेस में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको होना चाहिए था। लेकिन जो स्थिति है वो खुद ये मानते हैं कि अभी ये वक्त लगेगा बताने में कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। जी देवेंद्र, जो मौजूदा विधायक हैं टेकचंद शर्मा, उनको लेकर क्या सुबुगाहट है, क्योंकि बीजेपी को बाहर से समर्थन दे चुके हैं, मौखिक रूप से समर्थन दे चुके हैं, पार्टी में शामिल होंगे नहीं होंगे, होंगे तो किन कंडीशंस पर होंगे, क्या टिकट को, बीजेपी की टिकट को लेकर उत्सुक है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए रंजना, पहले तो मैं ये बता दूं, पिछले 20-25 साल की हरियाणा की राजनीति देखें, जब भी चुनाव होते हैं तो बसपा का एक आध विधायक जरूर चुनकर किसी कोने से आता है, चाहे वो यमुनानगर हो, अंबाला हो, या पृथ्वी फरीदाबाद हो। तो इस बार टेकचंद शर्मा पृथ्वी से जीते थे, वैसे ही हुआ, जैसे बसपा का एक कैंडिडेट विजय हासिल करता है और वो जो सरकार बनती है उसको अपना समर्थन दे देता है, शायद उसको ये लालच होता है कि सरकार के साथ मिलकर चलूंगा तो वहां पे विकास कार्य होंगे, लोगों के काम करवा पाऊंगा और आगे जो चुनाव होगा उसके लिए जीतना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि टेकचंद शर्मा ने जो चुनाव जीता बसपा की टिकट पर 2014 में, उस टाइम जब 2014 के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे, मुझे याद है कि जैसे बीजेपी की पहली दफा सरकार बनी, 47 विधायक आए बीजेपी को, तो पानीपत की संभालका लेके रविंदर मछरौली जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने जीतने के शाम को ही, मतलब 4 बजे अभी पूरे रिजल्ट भी नहीं आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरा समर्थन बीजेपी का, मैं बीजेपी के साथ हूं। तो इस तरह की एक होड़ लगी थी उस वक्त, शायद टेकचंद शर्मा ने भी मन बना लिया हुआ कि मैं भी बीजेपी के साथ रहूं, क्योंकि बीजेपी की पहली दफा 44 साल की राजनीति में बीजेपी जो है विसाखी के तौर पर उसकी भूमिका रही है, तो 47 विधायक जीतकर पहली दफा धमाके से सरकार बनाई थी बीजेपी ने, तो बीजेपी को निर्दलीयों का भी समर्थन मिला, तो लोगों को लगा कि सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो कोई पद भी मिल सकता है, कैबिनेट में या सीपीएस का पद मिल सकता है, और लोगों के काम करेंगे तो
विकास में हमारा नाम होगा और आगे चलकर उनको आसानी होगी। इसी वजह से जैसे समालका के विधायक ने, उसके बाद सफीदों के विधायक है जसबीर देसवाल, तमाम विधायक जो निर्दलीय जीत कराए थे, उन्होंने बीजेपी की तरफ डोरे डालने शुरू कर दिए थे कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। यही वजह है कि जब बीजेपी के प्रति अपना झुकाव दिखाया तो बीएसपी ने अपने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया कि आप पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं। तो निष्कासन के बाद हालांकि वो अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन कोशिश उनकी लगातार जारी रही कि बीजेपी के साथ जुड़ जाऊं, तो बीजेपी में अपना भविष्य सुरक्षित देख रहे थे। अब बीजेपी ने उनको, हालांकि कयास तो है, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि उनके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन उनको हरी झंडी अब तक नहीं मिली। यही वजह है कि उनकी स्थिति जो है कंफ्यूजन वाली हो गई है। हल्के के लोग भी सोच रहे हैं कि वो बसपा से जीते हुए हैं, भाजपा में जाना चाहते हैं, या भाजपा उनको लेने में क्यों लेट कर रही है, हो ना हो किसी तीसरी पार्टी में जाना चाहे। तो इस तरह के कयास जो है अभी लगाए जा रहे हैं और उनकी स्थिति बड़ी अस्पष्ट है, जिसका सियासी नुकसान टेकचंद शर्मा को हो सकता है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो सिर्फ पार्टी को लेकर है या चुनाव लड़ने को लेकर है? सवाल स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, किस पार्टी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये इसी माहौल को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, या फिर चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, ये भी एक कंफ्यूजन है। देखिए, टेकचंद शर्मा की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने वहां मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम किया है, वहां कृष्ण पाल गुर्जर जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने सहयोग किया, और वहां कला कौशल विश्वविद्यालय बनाने की जो पहल हुई उसमें बनवाया, उसमें भी उनका योगदान रहा है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता तो भारतीय जनता पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हाईकमान नहीं अनुमति देनी है कि उनको कब शामिल करना है। तो ये नित्य प्रति अफवाहें उड़ती हैं, वो आज शामिल होने वाले हैं, कल शामिल होने वाले हैं, लोग रोज इस प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो तब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन ये टिकट की गारंटी फिर भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के वहां कार्यकर्ता है तो उनके जो हिसाब से उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में, ये बात निश्चित है कि अगर टेकचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको टिकट की गारंटी नहीं है। हालांकि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर ही आश्रित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी इसमें अभी संशय है। अभी उनको लिए लंबो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अभी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है टेकचंद शर्मा को, स्थिति अभी तक साफ नहीं है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की और जेजेपी की, तीन पार्टियों के संभावित उम्मीदवार हमें जनता के बीच से मिले हैं। जनता ने रायशुमारी में तीनों ही पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के नाम को आगे रखा है और काउंटिंग सेंटर तैयार हो चुका है। पहला फैसला पृथ्वी की जनता ने क्या दिया है सपना? देखिए, जैसे ही ये पिटारे खुले हैं तो सबसे पहले बात कांग्रेस उम्मीदवारों की, जिसमें सतवी डागर, राकेश तंवर और रघुवीर तेवतिया इस रेस में है। तो बात सतवी डागर की करें तो उन्हें जब ये पिटारे खुले हैं तो 0.426% वोट प्रतिशत मिला है। बात राकेश तंवर की, जो दूसरे नंबर पर आते हैं जब ये पिटारे खुले हैं, 10.64% वोट मिले हैं। और सबसे ज्यादा रघुवीर तेवतिया, जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की रेस में है, सबसे ज्यादा उन्हें जो वोट प्रतिशत मिला है, जो जनता ने इस पिटारे में रिकॉर्ड किया है, 85.10% जो है उनको वोट प्रतिशत। कांग्रेस को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है, रघुवीर तेवतिया रेस को जीतते हुए 85.10% वोट के साथ। 2009 में भी विधायक थे पिथला से, 2014 में टेकचंद शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दूसरे नंबर पर राकेश तंवर कहीं नहीं है रेस में 10.64% वोट के साथ। सतवीर डागर भी पिछड़ते हुए 4.26% वोट के साथ। सुजीत जी, जब टेकचंद शर्मा को लेकर स्थिति साफ नहीं है, मौजूदा विधायक को लेकर स्थिति साफ नहीं है, ऐसे में रघुवीर तेवतिया को आप कितना मजबूत मानते हैं पिछला के रण में? देखिए, रघुवीर तेवतिया जो है 2009 में एमएलए जरूर थे, उसके बाद 2014 में जब टेकचंद शर्मा वहां से चुनाव जीते थे तो उस समय वो बहुत ज्यादा मतों से नहीं हारे थे, 3425। भले ही वो तीसरे नंबर पर जरूर थे रघुवीर तेवतिया, लेकिन जो हार का अंतर था वो 3425 मतों का था। और टेकचंद शर्मा से दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार थे वो महज 1179 वोट। तो ये कह सकते हैं कि जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार में फासला बहुत कम था, और
टेकचंद शर्मा के जो जीत का मार्जिन था वो 1179 वोट था। तो ये कह सकते हैं बहुत कम मतों से टेकचंद शर्मा जीते थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो पीछे रह गए जीत से उनका मार्जिन बहुत कम था। लेकिन इस बार जो टिकट की रेस है उसमें फिर भी जो है रघुवीर तेवतिया ही कांग्रेस में नंबर वन दिख रहे हैं, और वहाँ के जो मतदाता हैं या कांग्रेस के जो मतदाता हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं उनको लगता है कि अभी भी कांग्रेस में अगर किसी को टिकट देना चाहिए तो वो रघुवीर तेवतिया हैं, क्योंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर वो दिख रहे हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस आला कमान भी उन्हीं के नाम पर फैसला करे, क्योंकि संभावित उम्मीदवारों की रेस में जो जनता ने अपनी राय जताई है उसके अनुसार रघुवीर तेवतिया नंबर एक पर दिख रहे हैं, और जमीन पर भी वहाँ मतदाताओं के बीच में भी यही रुझान सामने आया है। बिल्कुल देवेंद्र, बेहद टफ फाइट थी 2014 के विधानसभा चुनावों में भी, जो हार का फासला था पहले दूसरे और तीसरे नंबर का 1100 वोट्स का था। ऐसे में रघुवीर तेवतिया को आप कितना मजबूत मानते हैं, वो भी तब जब बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की रेस में नैनपाल रावत भी चल रहा है और अभी टेकचंद शर्मा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी उन्हें लपक ले। देखिए रंजना, रघुवीर तेवतिया को मैं जानता हूं, फरीदाबाद जिले की जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें अच्छा खासा उनका नाम है। 2009 में वो विधायक बने कांग्रेस से, पूरे 5 साल विधायक रहे, लोगों के साथ संपर्क उनका रहा होगा, काम भी किए होंगे, पूरा कार्यकाल उनको मिला। हालांकि 2014 के चुनाव में वो फिर हार गए, अंतर बहुत कम था, इसका मतलब ये हुआ कि वो जीते जीते रह गए, मतलब जीत के करीब थे लेकिन जीत नहीं पाए, तो लोगों ने उनको समर्थन दिया, उनको वोट दिए, इससे उनके कद का पता लगता है कि वो उनका कद अच्छा खासा है, लोग उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि कम वोटों से वो हारे थे। अब जब 2019 के चुनाव की बात की तो हमारे जैसे सर्वे में लग रहा है कि एक तरफा उनकी तरफ पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है, 85% प्लस उनको समर्थन मिल रहा है, चाहे वो पब्लिक के लोग हैं चाहे वो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, पब्लिक के अंदर भी कांग्रेस के लोग हैं, तो कुल मिलाकर वो मैं समझता हूं कि उनके लिए बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। और कांग्रेस जो एक एक सीट के लिए, क्योंकि गुटबाजी से ग्रसित है कांग्रेस, बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुकी है अब तक, और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होगा कांग्रेस का, समय बहुत धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और रघुवीर तेवतिया निस्संदेह एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि एक बार जीते एक बार हारे 50-50 रहा, लेकिन हारे भी कम अंतर से, तो मतलब आप ये मानिए कि वो उन पे भरोसा कांग्रेस कर सकती है और जोरदार टक्कर वो देंगे। टेकचंद शर्मा का क्या होता है वो अब वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं कि दरवाजा उनके लिए खुलता है या नहीं खुलता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मेरे को लगता है मजबूत प्रत्याशी है, मजबूत दावेदार होंगे ये, और कांग्रेस इस बात को समझेगी भी सही कि एक जिताऊ कैंडिडेट उनके सामने है, उसको कंसिडर कर सकती है कांग्रेस। जी बिल्कुल, एक जिताऊ कैंडिडेट सामने है और कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वीरेंद्र सोनी साहब, रघुवीर तेवतिया कितना लगता है आपको इस स्थिति, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है पृथला की राजनीति में, उसका फायदा उठा पाएंगे, जब मौजूदा विधायक खुद कंफ्यूज हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस दल में जाएंगे, और रघुवीर तेवतिया जब पिछली बार हार का मार्जिन कम रहा हो, कितने मजबूत और कितना फायदा उठा सकता है इस स्थिति का? देखिए रघुवीर तेवतिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उनकी काफी कार्यकर्ताओं में भी लोकप्रिय है और जनता में भी और संघर्ष में भी बने हुए हैं। अगर जमीनी आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस को निश्चित रूप से रघुवीर तेवतिया को उम्मीदवार में उतारना होगा अगर कांग्रेस ने यह सीट जीतनी है या मुकाबला करना है, तो रघुवीर तेवतिया के यहाँ कोई और विकल्प नहीं है। अन्य जो दावेदार हैं उनकी समाज में उतनी छवि नहीं है, उतने सशक्त नहीं माने जाते। रघुवीर तेवतिया का जो कांग्रेस के अंदर पहले भी संघर्ष रहा है और अब भी है, अब जनता में भी उनकी लोकप्रियता है और कार्यकर्ताओं में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके टिकट में कोई संदेह होना चाहिए। अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और जनता की भावनाओं के अनुरूप फैसला किया तो ये टिकट रघुवीर तेवतिया का निश्चित माना जाना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, जो भी रहेगा, जो भी स्थिति रहेगी, चाहे उसमें टेकचंद शर्मा भी क्यों ना हो, वो इस बार कड़ी टक्कर देंगे और जो भी राष्ट्रीय दल होगा या क्षेत्रीय दल भी होंगे उनके बीच में रघुवीर तेवतिया का अपनी लोकप्रियता साबित करने के में सबसे सर्वोच्च रहेंगे। बिल्कुल, रघुवीर तेवतिया की अपनी एक लोकप्रियता है, अपना एक वोट बैंक है, वहीं राकेश तंवर और सतवीर डागर दोनों ही पिछड़ते हुए। देवेंद्र, राकेश तंवर और सतवीर डागर अभी भी चुनौती नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस के उस संभावित कैंडिडेट को जो 2014 में पहले ही हार का सामना करना कर चुके हैं, इसकी बड़ी वजह क्या?
देखिए रघुवीर तवतिया के मुकाबले जो दो कैंडिडेट हैं ये युवा हैं, जो नया नया जोश होता है वो टिकट की लाइन में होता है कि पार्टी हमें कल से देख रही है, लेकिन रघुवीर तवतिया के साथ पार्टी का विश्वास है, समर्थन है और उनको अनुभव भी है। एक बार विधायक रहे, दूसरी बार चुनाव जीते, करीब करीब जीत के पास आकर लेकिन जीत नहीं पाए, तो पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा है। ये जो बाकी दो हम दिखा रहे हैं राकेश तंवर और सतबीर डागर, उनमें अभी उतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए वो काम कर रहे होंगे, उनके लिए पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, लेकिन अभी उनका कद इतना नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव के लायक, जैसे टेकचंद शर्मा है मान लो, वो बीजेपी से आते हैं नहीं आते हैं, या रघुवीर तेवतिया जिस तरीके से टक्कर दे सकते हैं जोरदार, उस स्थिति में वो अभी नहीं है, तो उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से रघुवीर तेवतिया राइट च्वाइस हो सकती है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, तो रघुवीर तेवतिया बेहद मजबूत है कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में। सुजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राकेश तंवर और सतबीर डागर, सतबीर डागर तो आपको तमाम चैनल्स पे अपना पक्ष रखते हुए, पार्टी का पक्ष रखते हुए दिख जाते हैं, उनका नाम तो हमने शामिल किया था, लेकिन राकेश तंवर इसमें जो नाम आपको दिख रहा है और 10.64% उनको मत मिल रहे हैं, ये नाम वहाँ लोगों ने बैलेट पेपर पे लिखे, उस आधार पर यहाँ इनको जगह दी गई है। तो कह सकते हैं कि राकेश तंवर को कुछ इलाके में, जो प्रिथला का कुछ हिस्सा है वहाँ पर कुछ लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन सतबीर डागर वरिष्ठ नेता वहाँ जरूर हैं, लेकिन उनको उतना तवज्जो नहीं मिल रही है। उसकी वजह ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वर्कर या कांग्रेस के समर्थन करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि रघुवीर तेवतिया ही विकल्प सबसे अच्छे हैं, इसलिए चाहे राकेश तंवर हो या सतबीर डागर हो, उतना अच्छा समर्थन उनको वहां हासिल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो रघुवीर तेवतिया कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में सबसे मजबूत चेहरा है, लेकिन क्या ये बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम है? मौजूदा विधायक टेकचंद शर्मा क्या इनके लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। सर्वे में एक एक करके जनता का जनादेश निकलकर सामने आ रहा है, कहीं मत जाइएगा। प्रिथला की राजनीति क्या होने वाली है, उसकी पृष्ठभूमि क्या होने वाली है, किस तरह से उसकी बिसात बिछेगी, ये सर्वे के बाद आज साफ हो जाएगा। प्रिथला की राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में अपना चेहरा चमकाने वाले मौजूदा विधायक टेकचंद शर्मा, जो अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है, बीएसपी से चुनाव लड़ा था, बीएसपी ने निष्कासित कर दिया, बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसे में सभी राजनीतिक दल इंतजार कर रहे होंगे मौजूदा विधायक को किस तरह से चुनौती दे और मौजूदा विधायक की क्या स्थिति है, यह भी जानने की जरूरत होगी। कांग्रेस की स्थिति साफ हो चुकी है, काउंटिंग सेंटर इस बीच तैयार हो चुका है, दूसरा फैसला क्या है सपना? देखिए दूसरा फैसला रंजना है तो बात बीजेपी की करेंगे। सबसे पहले जिसको सबसे कम वोट मिले हैं सुरेंद्र तेवतिया, उनको 0.917% जो वोट मिले हैं जो जनता ने इस पिटारे में रिकॉर्ड किया है। बात सोहनपाल सिंह की करें तो उनको 17.50% जनता का जो मैंडेट है वो इन बॉक्सेस में बंद हुआ है। और नयन पाल रावत, उनको सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है, 73.33% का वोट प्रतिशत उनको मिला है। तो सबसे ज्यादा नयन पाल रावत को यहाँ पर जनता ने जो है पसंद किया है संभावित उम्मीदवार के तौर पर। बिल्कुल, तो संभावित उम्मीदवार के रूप में नयन पाल रावत आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर। दूसरा नंबर पर सोहनपाल सिंह है 17.50% वोट के साथ, सुरेंद्र तेवतिया 9.17% वोट के साथ, बिना देरी के सुजीत जी के पास जाएंगे। सुजीत जी, एक तरफ टेकचंद शर्मा बीजेपी की तरफ लहलाहित होते हुए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये संभावित उम्मीदवारों की रेस में नयनपाल रावत आगे चल रहे हैं, बीजेपी की चुनौती कैसे देखते हैं आप? देखिए नयनपाल रावत अभी बीजेपी में सबसे आगे हैं, अगर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो हमारे जो ओपिनियन पोल है उसमें भी जब जनता के बीच में लोग गए थे तो वहाँ नयनपाल रावत के पक्ष में सबसे ज़्यादा मत पड़े। लोगों का मानना है कि नयनपाल रावत लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन जो चुनाव हारने के बाद भी वो लोगों से जुड़ाव रख रहे हैं वो उनके पक्ष में जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो चुनाव भले ही हार गए लेकिन उनकी सक्रियता पब्लिक के बीच में, उनके दुख दर्द में बनी हुई है, इसलिए लोग चाहते हैं कि नयनपाल रावत
को बीजेपी से मौका दिया जाए। और अगर हम 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो टेकचंद शर्मा से सिर्फ 1179 वोटों से वो हारे थे, तो 1100 कुछ वोटों से अगर वो उनको हार का सामना करना पड़ा था तो वैसे भी कह सकते हैं कि बहुत कांटे के मुकाबले में उनकी हार हुई। फिर भी भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी तो नैनपाल रावत भी वहां लोगों के दुख दर्द में अभी भी साथ रहते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको बीजेपी वहां से उम्मीदवार बनाए। दूसरी बात सोहन पाल सिंह की है, सोहन पाल सिंह भी वहां प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास को लोग तवज्जो भी दे रहे हैं। यही वजह है कि नैनपाल रावत जहां इतने कांटे के मुकाबले में हारे थे चुनाव, फिर भी जो है उसमें सोहन पाल सिंह को 17.5% लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि नैनपाल रावत को ही मौका मिले क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत मत उनको मिल रहा है। और सोहन पाल सिंह और सुरेन तेवतिया, आप देख रहे हैं कि सुरेन तेवतिया काफ़ी पीछे हैं, उनको लगता है कि सुरेन तेवतिया हो सकता है कि जो है उनको बीजेपी के उम्मीदवार ना बनाया जाए। यही वजह है कि उनको उतने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जितने की ज़रूरत है टिकट पाने के लिए। तो संभावित उम्मीदवारों के रेस में अगर बात करेंगे तो नैनपाल रावत सबसे आगे, और अगर दूसरे नंबर पर विचार किया जाएगा तो सोहन पाल सिंह का नाम विचार किया जाएगा। और टेकचंद शर्मा की जहां तक बात है कि टेकचंद शर्मा भी बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस कांटे के मुकाबले में नैनपाल रावत चुनाव हारे थे, ऐसे में ये बीजेपी को भी लग रहा है कि जब उनका उम्मीदवार इतना मजबूत है और 5 साल की बीजेपी की सरकार राज्य की और 5 साल की केंद्र की सरकार के प्रदर्शन के बाद बीजेपी को भरोसा है कि जनता उन पर भरोसा जताएगी। यही वजह है कि टेकचंद शर्मा के लाख समर्थन कर देने के बावजूद भी, और चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं या कह सकते हैं कि कुछ दिन बचे हैं, तब भी बीजेपी में वो शामिल नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी टिकट पक्की करना चाहते हैं कि जब तक बीजेपी हाईकमान आश्वासन ना दे दे कि आपको ही टिकट मिलेगी, तब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का साफ तौर पर मानना है, और आपने देखा भी होगा कई बार सवाल उठते रहे हैं कि इतने लोग शामिल हो रहे हैं क्या सबको टिकट मिल पाएगा, तो साफ तौर पर चाहे सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, सबने बार बार कहा है कि भाई लोग शामिल जरूर हो रहे हैं लेकिन टिकट की गारंटी किसी की नहीं है। तो इसी गारंटी के चक्कर में हो सकता है कि टेकचंद शर्मा अभी तक बीजेपी का हिस्सा ना बन पाए हों, जबकि उनकी चाहत है। और एक बात और कि टेकचंद शर्मा वहां 5 साल से एमएलए हैं, तो उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं वहां, जो हमारी सर्वे की टीम गई थी उसको भी लोगों ने बताया कि पृथला में जो अंडरपास बनना चाहिए था वहाँ लोगों को शमशान घाट जाने में दिक्कत होती है, तो वो बात भी जो है वहाँ लोगों को ये सता रही है कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। सड़कों पर भगोला गांव है, वहाँ पर काम हो रहा है सड़कों पर, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। कई इलाके वहाँ पृथला के देखने को मिले जहाँ जल भराव की समस्या है, और इसी तरह से जो पेंशन उस इलाके में, ये भी एक भ्रम फैल गया है कि सरकार ने वृद्धा और बुजुर्गों की पेंशन ही बंद कर दी है, लेकिन अभी भी पेंशन मिल रही है लोगों को, जो उसके योग्य लोग हैं उनको जो है मिल रही है। ये भ्रम भी विधायक वहां पर दूर नहीं कर सके लोगों का। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ भी जा रहे हैं टेकचंद शर्मा के, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, या जो जीत का मतों का अंतर कम होना है, या फिर बीजेपी उम्मीदवार जो इतने मजबूत वहां हैं और बीजेपी खुद सक्षम है वहां, तो हो सकता है इसलिए इनको टेकचंद शर्मा भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और बीजेपी के पास दो वहां पर मजबूत उम्मीदवार अभी भी रेस में दिख रहे हैं। एक बात और है, टेकचंद शर्मा के खिलाफ जो जाती है वो बीएसपी के टिकट पर जीते थे, लोगों ने भरोसा जताया था उनको, बीएसपी का पूरे प्रदेश में कहीं भी विधायक नहीं जीता था, सिर्फ पृथला में जीता था, तो इसको भी लेकर वहां लोगों में नाराजगी है कि हमने उनको बीएसपी से जिताया था और उन्होंने तुरंत बीजेपी को समर्थन कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी नाराजगी वहां टेकचंद शर्मा के खिलाफ है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस
जो वजह बन सकते हैं बीजेपी के लिए उनके दरवाजे न खुल रहे हों, और ऐसे में कह सकते हैं कि वहां दो मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के पास हैं, तो ये भी एक बड़ी बाधा है जी। देवेंद्र, तीन बड़े बयान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो सीएम हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सबकी तरफ से दिए जाते रहे हैं। एक तो टिकट की गारंटी किसी को नहीं, दूसरा जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें भी बराबरी का सम्मान दिया जाएगा, और तीसरा ये कि जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट कट सकता है, जो ऊपर बैठे हैं वो नीचे जा सकते हैं, जो नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं वो ऊपर आ सकता है। इन तीनों ही बयानों को देखते हुए आप बीजेपी में क्या स्थिति को देख पा रहे हैं जब नैनपाल रावत 73.33% वोट्स के साथ आगे चल रहे हो और महज लगभग 1100 वोट से ही चुनाव हारे थे 2014 में। देखिए रंजना, जो तीन बातें आपने बताई, बीजेपी उस नीति पर चल रही है कि जैसे जो विपक्ष के मजबूत नेता हैं, एक तो वो उनको अपने साथ मिला रही है, इससे विपक्ष कमजोर हो रहा है, और उनको इस बात की गारंटी भी नहीं है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करें तो आपको टिकट मिलेगा। दूसरी बात, अपने ही कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि आप ये मत समझिए कि आपको टिकट मिल सकता है, पार्टी संगठन फैसला करेगा। जो पैरामीटर्स हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठा मान रहा है, जिसमें काबिलियत है, और मुख्यमंत्री भी जैसा कहते हैं कि एक बार उनका बयान आया कि ये सवाल नहीं है कि 10 साल से कौन पार्टी में या 10 दिन से, उसकी काबिलियत, उसकी छवि और विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाएगा। और अपोजिशन के लीडर्स को जो लेने की बात है उनको गारंटी नहीं दी जा रही, लेकिन उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो कंसिडरेशन उनके बारे में रहेगा, ताकि उसे दो तरफ का, दो मोर्चे पर बीजेपी एक तरह से विजय हासिल कर रही है। उनको कहा भी जा रहा है आपको टिकट दिया जाएगा, और ये भी कह रहा है कि गारंटी नहीं है, तो उससे विपक्ष वाले जो आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो आना रुक जाए। विपक्ष वाले अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो विपक्ष धीरे धीरे बिखराव की ओर है, विपक्ष कमजोर हो रहा है, उसका भी फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को मिला है। तो कुल जो तीन बातें आपने बताई है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए भी है, और उनके लिए भी जो बाहर खड़े हैं और बीजेपी की दहलीज पर है, बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी उसमें भी अपना फायदा देख रही है। तो कुल मिला के एक लंबी लाइन अब लगी हुई है बीजेपी में, विकल्प बहुत है बीजेपी के पास। बीजेपी अच्छी तरह सोच विचार कर, क्योंकि 75+ का अगर टारगेट रखा है तो बहुत सोच समझ कर सही आदमी को टिकट देना होगा, और 75+ का जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सकता है। और अगर इस तरीके से बीजेपी दोबारा विजय हासिल करती है तो फिर उसकी रेपिटेशन आगे भी चल सकती है, सही कदम जो बीजेपी उठाएगी उसके नतीजे भी सही मिलेंगे। तो बीजेपी अपनी रणनीति के मुताबिक आगे चल रही है, अपोजिशन को मान सम्मान भी दे रही है, और उनको ये, उनके कान भी खोल रही है कि ये इस उम्मीद में मत रहना कि आपको इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपको टिकट भी दिया जाएगा, और अपने कार्यकर्ताओं को भी इशारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी एक बड़ी संतुलित रणनीति को लेकर चल रही है, और उसमें उसका सियासी फायदा उसको नजर आ रहा है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, लगभग 1100 वोटों से पीछे रह गए थे नैनपाल रावत, क्या लगता है आपको इन 5 सालों में क्या वो होमवर्क कर लिया है जो ये 1100 से ज्यादा वोटों की भरपाई नैनपाल रावत कर पाए? नहीं, नैनपाल रावत तो कर ही पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की भी व्यापकता बनी है, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का आया है, तो उसमें लोगों में एक स्वीकार्यता बनी है भारतीय जनता पार्टी की। नैनपाल रावत हो, चाहे सोनपाल हो, या तो मैं तो सुरेंद्र तेवतिया को भी मानता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी को भी टिकट दे देगी तो वो जीतने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि रघुवीर तेवतिया से मुकाबला रहने वाला है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में वातावरण बना हुआ है उसका इन तीनों को लाभ मिलेगा। सुरेंद्र तेवतिया भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और उनको चेयरमैन भी बनाया गया था, और ये भी सोनपाल भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और नैनपाल रावत तो बहुत कम वोटों से हारे थे, उनकी अपनी व्यापकता है और उनको भी संगठन के अंदर मान सम्मान के साथ स्वरूप दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का ये तीनों उम्मीदवार सक्षम है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, जिसके हाथ में फूल का चिन्ह होगा, कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। इसका उदाहरण यह है कि फरीदाबाद संसदीय सीट से कृष्णपाल गुर्जर जी जितने अच्छे बहुमत से जीते हैं, उससे यह बात होती है कि पृथला में भी भारतीय जनता पार्टी का व्यापक वोट बैंक है। जहां तक तेजचंद शर्मा जी की बात है, वो देखिए जातीय समीकरण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। फरीदाबाद संसदीय सीट से जो एक मूलचंद शर्मा पहले विधायक हैं, दूसरे ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की स्थिति में है या नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरा, टेकचंद शर्मा जी के ये जाता है कि उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, निस्संदेह दिया, उसके बदले में सरकार में उनके काम भी हुए,
और उसके बदले में अब भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करके और उनको टिकट देने का जोखिम लेगी, मैं नहीं समझता ऐसी स्थिति होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ता के पर ही जो है मोर लगाएगी और अपने संगठन के आधार पर ही किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी जो संगठन से जुड़ा हुआ है। नयनपाल रावत का दावा पुख्ता बनता है, पिछला चुनाव हारे थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ता पर विश्वास करेगी, क्योंकि जब तक उसका अपना संगठन मजबूत है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी बाहर से व्यक्ति की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। जी सुजीत जी, क्योंकि संभावित उम्मीदवारों के सर्वे की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में बीएसपी की तरफ से कोई दूसरा संभावित उम्मीदवार इतना मजबूत क्यों नहीं दिखाई दिया है जितना कि टेकचंद शर्मा के बाद किसी दूसरे को होना चाहिए था? देखिए बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी में वहां पर जिस तरीके से अभी मौजूदा समय में टेकचंद शर्मा ने वहां पर काम किया कि चुनाव जीतने के बाद तुरंत जो है दूसरे दल को समर्थन दे दिया, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब जो बीएसपी के मतदाता वहाँ पर हैं या जो बीएसपी के समर्थक हैं वो जो है वहाँ पर वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जो हैं उनको समर्थन देते दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मत प्रतिशत इतना अधिक नहीं है कि उनको दिखाया जा सके, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो वशिष्ठ हैं उनका प्रभाव है और जो बीएसपी के समर्थक और मतदाता हैं वो ये मानते हैं कि टेकचंद शर्मा ने कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वादा खिलाफी की है, इसलिए जो है बीएसपी के मतदाता और समर्थक भी अब उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और वशिष्ठ जो हैं उनमें पूरी आस्था जता रहे हैं, जो भी वहां पर अगर वशिष्ठ को टिकट मिलता है तो वशिष्ठ वहां पर बीएसपी के कह सकते हैं कि जो मतदाता होंगे सबसे ज्यादा उनको पसंद करेंगे वहां पर। देवेंद्र, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी कोई संभावित उम्मीदवारों में इतना मजबूत नहीं दिखाया जिसको हम सर्वे में शामिल कर पाते, क्यों? देखिए रंजना, वो हम जानते कि इनेलो बहुत कमजोर हो चुकी है। इनेलो हालांकि 15 साल से विपक्ष में थी, उसके पास एक मौका था पार्टी के डिवीजन होने से पहले। हम लोग मान भी रहे थे जब कभी विश्लेषण होता था या इनेलो की बात होती थी, इनेलो में दो फाड़ होने से पहले की बात है, हम लोग मानते थे कि इनेलो 2019 के चुनाव में एक बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए भी अच्छी खासी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ली थी। लेकिन अचानक जो पार्टी में विवाद बड़ा, डिवीजन हुआ, पार्टी दो फाड़ हो गई, उसके बाद जो मजबूत नेता थे तमाम नेता या तो जजपा में ज्वाइन कर गए या फिर अब बीजेपी में, जैसे बहुत सारे विधायक बीजेपी में चले गए, इनेलो के नेता या तो बीजेपी में चले गए या जजपा में शिफ्ट हो गए। तो पृथला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनेलो का कुछ बचा नहीं है, और भी ऐसे क्षेत्र है लेकिन आप पृथला की बात करें तो इनेलो के लिए कुछ वहां बचा नहीं है। अब हो सकता है कि इनेलो को जैसे अकेले चुनाव लड़ना है 90 सीटों पर, कुछ जगह ऐसी भी हो उनके पास उम्मीदवार नहीं है मजबूत, बजाय इसके कि जगह हसाई हो वो शायद चुनाव ही ना लड़े कि अपनी प्रतिष्ठा बची रहे कि हमने इतने कैंडिडेट उतारे थे उनमें इतने इतने उनको उम्मीदवार मिले हैं। तो पृथ्वी में इनेलो बहुत कमजोर है, और हो सकता है कि इनेलो जो पृथ्वी में अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे या अंदर खाते किसी को समर्थन दे दे, इस तरह की चीजें भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी, वीरेंद्र सोनी साहब, इन तीनों ही पार्टियों को आप फाइट में देखते हैं या आपको लगता है कि बीएसपी और इनेलो कि अपने जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी वो वोट कटवा के रूप में यहां साबित होंगे? देखिए मैं बहुजन समाज पार्टी को यहां कम नहीं आता, हालांकि देख लीजिए उनका कोई उम्मीदवार सर्वे में शामिल नहीं है, कोई ऐसा प्रभावी नाम सामने नहीं आया, लेकिन बीएसपी का अपना वोट बैंक है। देखिए 2009 के अंदर भी जो है अपना टेकचंद शर्मा जो है दूसरे नंबर पर रहे थे, और अब जब 2014 में चुनाव जीते हैं तो इससे माना जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है और वो वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीएसपी किसी को भी उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। वहां ये देखने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी आगे रहती है या जेजेपी आगे रहती है, तीसरे नंबर के लिए जो लड़ाई रहेगी वो बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में रहने वाली है, और इंडियन नेशनल लोकदल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो मुख्यतः मुकाबला रहने वाला है, तीसरे नंबर की लड़ाई जो है वो जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच रहेगी। जी सुजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये जो इनेलो की बात है, इनेलो में भी हमने नाम वहां पर डाले थे लेकिन बहुत ज्यादा जो है किसी को समर्थन वहां मिलता दिख नहीं रहा है। एक देवेंद्र तेवतिया हैं जिनका नाम वहां पर सामने आया है, जिनको बहुत कम लोग समर्थन करते वहां दिख रहे हैं, लेकिन जो सुरेंद्र वशिष्ठ जिनका नाम हम बीएसपी से ले रहे थे उनको जो है इनेलो के मुकाबले वहां
सुरेंद्र वशिष्ठ को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो अब देखना होगा टिकट मिलता है तो फिर सुरेंद्र वशिष्ठ को मिलता है या फिर कोई नए चेहरे को मिलता है तो किस पर बीएसपी दांव लगाएगी। जिस पर बीएसपी दांव लगाएगी वहां पर वो स्थिति बीएसपी की बदल सकती है। जी तो कांग्रेस और बीजेपी को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है, दोनों ही पार्टियों के पत्ते खुल चुके हैं। रघुवीर तेवतिया कांग्रेस में सबसे मजबूत तो बीजेपी में सबसे मजबूत नैन रावत, और इसी बीच काउंटिंग सेंटर तैयार हो चुका है। सपना हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई है। सपना, कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरा नंबर किसका? देखिए आखिरी राउंड की ये काउंटिंग है जिसमें नंबर है अब जेजेपी का। और बात उम्मीदवारों की करें तो सबसे पहले जिसको सबसे कम वोट प्रतिशत मिला है, जनता ने सबसे कम आंका है, वो है शशिबाला तेवतिया, जिनको 14.30% वोट प्रतिशत मिला है जब ये काउंटिंग हुई है तो सामने आया है जो रिजल्ट। अरविंद भारद्वाज की बात करें तो 21.42% उनको जो है संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल किया गया जनता की ओर से, जनता ने माना है। और सबसे ज्यादा वोट मिले हैं बलदेव अलावलपुर को, जिनको 64.28% जो है वोट मिला है, यानी कि संभावित उम्मीदवारों की रेस में वो सबसे आगे दौड़ रहे हैं जेजेपी की ओर से। बिल्कुल, तो जेजेपी की तरफ से 64.28% वोट के साथ बलदेव अलावलपुर सबसे आगे हैं। अरविंद भारद्वाज दूसरे नंबर पर 21.42% वोट के साथ, शशिबाला तेवतिया 14.30% वोट के साथ। तो स्थिति साफ हो चुकी है, बलदेव अलावलपुर सबसे आगे है संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में 64.28% वोट के साथ। सपना हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई थी जो ये जानकारी दे रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया सपना हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। सुजीत जी, हम जेजेपी की ही बात कर रहे थे और बलदेव अलावलपुर 64.28% वोट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। मुकाबले में आप बलदेव अलावलपुर को रघुवीर तेवतिया, नैनपाल रावत और बलदेव अलावलपुर, इसके अलावा टेकचंद शर्मा, इन चारों ही कैंडिडेट्स में कहां आते हैं? देखिए अगर सभी की तुलना की जाए तो इसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो सबसे ज़्यादा भारी पड़ेंगे। चाहे अगर नैनपाल रावत हमारे संभावित उम्मीदवारों की रेस में भी सबसे आगे हैं, उनको मत प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है और पिछली बार हारे भी बहुत कम मतों से थे, तो इसलिए अगर बीजेपी उन पर दांव लगाती तो वो मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। और सोहन पाल सिंह और सुरेंद्र तेवतिया, जैसा कि अभी वीरेंद्र सोनी जी कह रहे थे कि बीजेपी जिस पर भी दांव लगाएगी वो वहां पर जीत सकता है चुनाव। और सोहन पाल सिंह और सुरेंद्र तेवतिया भले ही मत प्रतिशत में पीछे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी सब किस पर दांव लगाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार में अगर रघुवीर तेवतिया नंबर एक पर हैं तो ये कह सकते हैं कि वो मजबूत हैं, और बलदेव अलावलपुर जेजेपी में, और इन सब में भारी अभी बीजेपी उम्मीदवार पड़ेगा और वही अपना दमखम यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाने की स्थिति में है। लेकिन यहाँ अगर जेजेपी की बात की जाए तो बलदेव अलावलपुर जरूर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अरविंद भारद्वाज बैलेट पेपर में ना होते हुए भी वहाँ के लोगों ने अरविंद भारद्वाज का भी नाम जेजेपी की ओर से जोड़ा, इसलिए यहाँ पर उनको मत प्रतिशत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन शशिबाला तेवतिया लगातार वहाँ सक्रिय रही हैं, उनको उनके मुकाबले कम मत मिल रहा है। तो बलदेव अलावलपुर जेजेपी में आगे जरूर है, लेकिन सबसे भारी वहां पर बीजेपी पड़ रही है। और बीजेपी जिसको भी उम्मीदवार बनाती है, चाहे रघुवीर तेवतिया हो, चाहे वो नैनपाल रावत हो या फिर सोहन पाल, वो सब पर भारी पड़ते दिखेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि हम बलदेव अलावलपुर को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता हुआ देख पा रहे हैं, 64.28% वोट्स, ऐसे में आपको क्या लगता है कि बलदेव अलावलपुर क्या रघुवीर तेवतिया, नैनपाल रावत और टेकचंद शर्मा को मजबूत टक्कर देने की स्थिति में है? देखिए रंजना, अगर बलदेव अलावलपुर को देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है, 5-7-8% का इनको कम है इनके पास वोट जो समर्थन मिला है। लेकिन बात एक ये है कि जेजेपी के लिए संतोष की बात है कि जहां इनेलो कहीं नजर नहीं आती वहां जेजेपी मजबूत नजर आ रही है। 64% से ज्यादा समर्थन इनको मिला है कि बलदेव अलावलपुर को जजपा अपना उम्मीदवार बनाए, इस तरह की इच्छा जाहिर की है वहां की पब्लिक ने, जिनमें पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। तो कम से कम जजपा वहां जोरदार मुकाबला जरूर पेश कर सकती है। जैसा सोनी जी कह रहे थे कि इनेलो तो कहीं है नहीं प्रिथला में, लेकिन बसपा में और जजपा में तीसरे नंबर की लड़ाई हो सकती है। और अगर तीसरे नंबर पर जजपा रहती है या बसपा रहती है, कम से कम क्योंकि परिस्थितियां उनके उतने पक्ष में नहीं है, मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है जैसा नजर भी आ रहा है, लेकिन जजपा को बना अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, इतने समय में अगर उनका एक कैंडिडेट इतना
टक्कर देते हुए लग रहा है, मजबूत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जजपा के लिए आगे चलकर ये सीट जो है उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। तो जजपा और बसपा में तीन नंबर की अब लड़ाई होती लग रही है और कौन इनमें तीन नंबर हासिल करता है वो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी ड्राइविंग सीट पर मैं मानता हूं, परिथला में जो हमारा सर्वे बता रहा है बीजेपी कैंडिडेट ड्राइविंग सीट पर है और बीजेपी किसी को भी टिकट अपना दे क्योंकि वो प्लस रहेगा, किसी को भी टिकट दे। हालांकि नयनपाल रावत जो है चुनाव लड़ चुके हैं, मजबूत लग रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी जिस किसी को भी टिकट देती है तो उसके लिए चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे और कांग्रेस पूरी तरह मुकाबला देने की स्थिति में है। तीसरे नंबर की लड़ाई बसपा और जजपा में रहेगी। अब ये वक्त बताएगा इस विधानसभा का क्या सूरत हाल होता है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से हवा अच्छी है, लहर भी दिखाई दे रही है, लेकिन दो बातें मुझे जो है विचलित करती हैं। वहां चंदावली के जो गांव के किसान हैं काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, आईएमटी के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है, उनको मुआवजे के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, रेलवे कॉरिडोर के लिए भी जमीन अधिग्रहण हुई है तो उसके मुआवजे के लिए भी किसान संघर्ष कर रहे हैं। वो कुल मिला के माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन हम यहाँ कांग्रेस को भी कम नहीं आंक सकते। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला है। तीसरे स्थान पर वहां बहुजन समाज पार्टी रहेगी और उसके बाद जननायक जनता पार्टी का नंबर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रथला की स्थिति साफ हो चुकी है, बिस्तार कैसे बिछेगी ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से रघुवीर तेवतिया सबसे आगे हैं, बीजेपी की तरफ से नैनपाल रावत सबसे आगे, जेजेपी की तरफ से बलदेव अलावलपुर सबसे आगे हैं। वहीं टेकचंद शर्मा को फाइट में भूला नहीं जा सकता है। किस दल में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रथला की जनता के दिल में क्या है ये हमने आज आपको बता दिया है। तो रेस 2019 के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, अगली विधानसभा के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, बताएंगे उस विधानसभा का सूरत हाल। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज के साथ।